This is our startup company, H&M Infotech. If you want any digital goods like website development, which includes domain and hosting, AMC, social linking, we offers you in only 10,000. We also offers Android application in 15,000 only. This is our welcome offer, which is valid up to 31st December. For contact, form link is given below in the description. क्या आप हार्डकोर गेमर हो? क्या आपको भी एक अच्छा सा लैपटॉप चाहिए जो बहुत सारे हाई HD ग्राफिक्स वाले गेम रन कर सके परफेक्टली? क्योंकि आप ऐसे घूमते फिरते रहोगे और आपको PC पे खेलना नहीं जमता है कि आप बाहर ही रहते हो, तो आपको ऐसा एक लैपटॉप चाहिए जिसमें एक परफेक्ट गेमर वाली कंडीशन हो, उसके बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशंस हो। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं द न्यू रेजर ब्लेड का एक लैपटॉप जिसका स्पेसिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो आप बाप रे बाप एकदम फुल टू फिदा हो जाएंगे। और ये वीडियो है पूरी तरह से एक हार्डकोर गेमर्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, टेकबस में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ मयूर। तो आज हम बात करने वाले हैं द न्यू रेजर ब्लेड लैपटॉप के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो लैपटॉप है द न्यू रेजर ब्लेड नाम है इसका। तो आज हम इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में रिव्यू करने वाले हैं कि ये लैपटॉप कैसा है और हाउ इट वर्क्स। तो चलिए दोस्तों, अभी हम देखते हैं। तो ये रहा ऐसा लैपटॉप के डिज़ाइन है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कीबोर्ड्स है बहुत ही अच्छे हैं, और यहाँ पर कीबोर्ड्स में आपको लाइट्स दिख रही है। और उन्होंने कहा कि पावरफुल, पोर्टेबल, परफेक्ट, द न्यू रेजर ब्लेड पावर्ड बाय एनवीडिया जीफोर्स GTX 1060। तो चलिए हम देखते हैं अभी इसके साथ क्या क्या है आपको स्पेसिफिकेशंस में। तो मोर पावरफुल इंसेंटली थिन, और ये बहुत दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ही थिन लैपटॉप है, और इसमें आपको जो ग्राफिक्स है बहुत अच्छी तरीके से मिलने वाला है। तो अभी हम इसको स्किप करते हैं क्योंकि हम नीचे पूरे के पूरे डीपली स्पेसिफिकेशंस, टेक स्पेसिफिकेशंस देखने ही वाले हैं। तो ये है गेमिंग परफेक्टेड। अगर आप इसमें कुछ काम के लिए वो ले सकते हैं ये लैपटॉप, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लैपटॉप एक गेमिंग के लिए है। क्योंकि अगर आपको सादा एक काम करना है तो आप कौन सा भी सस्ता सा लैपटॉप ले सकते हैं, लेकिन ये परफेक्टली गेम के लिए। और इसकी जो प्राइस है वो तो बाद में बताऊंगा मैं आपको। और ये जो है एनवीडिया जीफोर्स GTX वाला ग्राफिक कार्ड इसमें है, और इसमें है DirectX 12 वाला सपोर्ट वाला फीचर। और अभी हम देखेंगे इसके साथ और नीचे जाएंगे, और ये है वर्चुअल रियलिटी रेडी वाला लैपटॉप। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ हम वर्चुअल हेडसेट से हम ये देख सकते हैं। और आप यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे एक ऑफ़र भी है, गेट 2 free गेम्स वैल्यूड एट $79 में व्हेन यू परचेज द न्यू रेजर ब्लेड इंक्लूडिंग 1 VR रेडी टाइटल। मतलब इसके साथ आपको ये बहुत अच्छी तरीके से एक किट भी मिल रहा है। और यहाँ पे जो वर्चुअल रियलिटी रेडी है एक बहुत अच्छी बात होगी अगर आप हार्डकोर गेमर हो। और अभी हम देखने वाले एक बहुत ही बड़ा इंटेल्स का एक, देख सकते हैं कि मराठी में बोलते हैं इसको दंडका बोलते हैं, 6th generation वाला इंटेल का i7 प्रोसेसर। जी हाँ दोस्तों, 6th generation वाला ये i7 प्रोसेसर है इंटेल का, जिसकी जो क्लॉक कोर स्पीड है वो है 2.6 GHz, क्वाड कोर प्रोसेसिंग पावर एंड टर्बो बूस्ट स्पीड, और ये बूस्ट होगा 3.5 GHz तक, जो कि बहुत अच्छा बात है। और ये लैपटॉप में एकदम बढ़िया सा लैपटॉप होने वाला है। और इसका जो डिस्प्ले है ये एक फिट गेमर्स के लिए होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं QHD+ और फुल HD मैटे में आने वाला है। इसमें जो रिजोल्यूशन है वो है 3200x1800 QHD+ टच डिस्प्ले, और 1920x1080 फुल HD मैटे डिस्प्ले। तो ये दोनों के दोनों डिस्प्ले होंगे 14 इंच के, और इसकी जो पिक्सल प्योरिटी है बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने दी है, क्योंकि आप देख सकते हैं QHD+ और फुल HD, QHD माने क्वार्टर हाई डेफिनेशन प्लस, और ये भाई बढ़िया है। और यहाँ पे आपको क्रोमा का कीबोर्ड मिल रहा है जिसमें अलग अलग LED लाइट्स होंगी। तो अभी हम इसका एक डेमो देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक वेव वाला है, वेव वाला फीचर। इसमें आपको देख सकते हैं कि जो कलर्स है वो लेफ़्ट टू राइट मूव हो रहे हैं, वेव हो रहे हैं। अगर आपको ये चाहिए अलग तरीके से तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे स्क्रॉल किया, और अभी ये राइट से लेफ्ट आ रहे हैं सारी की सारी लाइट्स।
चले अब मैं फिर से इसको लेफ्ट टू राइट करता हूँ। अभी ये वाला है स्पेक्ट्रम साइकिलिंग, इसमें साइकिलिंग होता है कलर का, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो सर्कल्स टाइप से ये कलर्स चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट है ब्रीथिंग, ये एक हार्ट बीट जैसा एक है, और यहाँ पे आप कलर्स भी चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा आपको यहाँ पे कलर चाहिए। टू कलर्स में ये होगा, दो कलर में रेड और पर्पल मैंने सेलेक्ट करके रखा है यहाँ पे। और ये है 16.8 मिलियन कलर, इसमें आपको सिर्फ एक ही कलर मिलेगा जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और ये वाला फीचर तो बढ़िया है क्योंकि आपको ये बहुत पसंद आएगा। यहाँ पे मैं अभी कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ रेड, और अभी हम यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप MAYUR, जैसे कि आप टाइप करेंगे वहाँ पे लाइट जलने लगेगी। बहुत अच्छा फीचर है कीबोर्ड का। और ये तो देखिए रिपल फैक्टर बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे कलर्स ऐसे चेंज ही चेंज हो रहे हैं, तो ये एक प्रकार का बहुत अच्छा क्रोमा की तरफ से कीबोर्ड दिया गया है। और इसके लिए एक बिग थम्स अप, ह्यूज थम्स अप इसके लिए, और मोर पावरफुल मोर क्यूबिक इंच है इसमें। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो अडेप्टर है चार्जिंग का, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना बिग पावर स्लिम डिज़ाइन इन्होंने यहाँ पे दिया है। नहीं तो हमारे लैपटॉप के अडेप्टर एकदम पूरे फूले हुए लगते हैं हमेशा। और यहाँ थंडरबोल्ट 3, और ये है टाइप USB-C, स्पीड अप टू 40 Gbps है इसका स्पीड, और यह बहुत बढ़िया तरीके से है। ये आपको टाइप USB-C में मिलने वाला है, और इसका तो स्पीड देख सकते हैं आप यहाँ पे ग्राफ में आपको दिख रहा है थंडरबोल्ट 3 का 40 Gbps तक का है। और यहाँ पे है नोटबुक मीट्स डेस्कटॉप। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर आप एक डेस्कटॉप की तुलना करें इसके साथ तो वो भी मात खाएगा। और ये लैपटॉप है बहुत ही बढ़िया सा लैपटॉप है, इसके लिए मैं ह्यूज थम्स अप, अगर इतना पैसा आ गया तो मैं ये लैपटॉप ज़रूर लूँगा क्योंकि आई लव गेम्स। और यहाँ पे आपको मिलेगा विंडोज़ 10, और ये जो रेजर ब्लेड के साथ आया है सॉलिड, आई कांट बिलीव ये जो लैपटॉप है इतना बढ़िया हो सकता है। यहाँ के रेजर से आपको सॉफ्टवेयर भी मिलते हैं यहाँ पे फ्री में, रेजर स्नैप्स, रेजर कॉम्स, रेजर कॉर्टेक्स, रेजर सराउंड, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे दे दिया है। और यहाँ पे आपको एक केट FL स्टूडियो 12 फ्री मिल रहा है, आपको FL स्टूडियो फ्री यहाँ पे आपको मिल रहा है, इससे आप म्यूज़िक का एक अलग ही आनंद उठा सकते हैं। और यहाँ पे हम आ रहे हैं अभी टेक स्पेसिफिकेशंस पे, तो चलिए दोस्तों फुल HD मैट है और QHD प्लस में देख रहे हैं। इसमें सिर्फ दो ही फ़र्क है, और वो है उनका रिजोल्यूशन का, जो मैंने पहले ही बता दिया था कि फुल HD डिस्प्ले में आपको 16:9 रेशो और 1920x1080 का विथ LED ब्लैक लाइट में मिल रहा है, और QHD प्लस में आपको 14 इंच सेम टू सेम इंच रहेगा, और आपको जो रेशो सेम टू सेम है, और आपको जो पिक्सल की क्वालिटी है वो है 3200x1800 विद LED बैकलाइट एंड विद कैपेसिटिव मल्टी टच भी आपको यहाँ मिल रहा है। तो इसके जो ग्राफिक्स की बात करें तो NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB GDDR5V RAM है इसमें दोस्तों। DDR5 फर्स्ट टाइम मैं तो कभी सुना ही नहीं होगा, क्योंकि बहुत अच्छा लैपटॉप है। और इसका जो प्रोसेसर है वो है इंटेल की तरफ से कोर i7-6700HQ क्वाड कोर प्रोसेसर विथ हाइपर थ्रेडिंग 2.6 GHz एंड अप टू 3.5 GHz टर्बो पे अगर इसको किया तो। और जो चिपसेट है वो है मोबाइल इंटेल PCHM100 सीरीज चिपसेट HM170, और इसमें जो स्टोरेज है वो तीन तरह के आने वाले हैं, 256 GB SSD, 512 GB SSD, 1 TB SSD, और इसकी जो मेमोरी है वो है 16 GB ड्यूअल चैनल ऑनबोर्ड मेमोरी DDR4 का रैम है इसमें 16 GB फ्रेंड्स 16 GB बहुत ज़्यादा है ये, मतलब कि मेरे तो 4 लैपटॉप यहाँ पे आ जाएंगे तब ये इतना स्पीड मैच कर पाएगा या फिर नहीं। और इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज़ 10 64-bit। कम्युनिकेशन के लिए इसमें किलर वायरलेस AC1535802.11 जो चैनल है वाईफाई का वो मिल रहा है आपको, ब्लूटूथ 4.1 वर्जन वाला, और इसमें बिल्ट इन वेबकैम 2.0 मेगापिक्सल का दे रखा है बहुत अच्छी तरीके से, ताकि आप ब्लूटूथ पे भी ऑनलाइन गेमिंग करते वक्त आपको एक एक्सटर्नल कैमरा की अगर ज़रूरत पड़े तो आप ले सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं पड़नी चाहिए, इसे भी उन्होंने सुविधा दे रखी है। एंटी घोस्टिंग कीबोर्ड विथ क्रोमा बैकलाइट जो मैंने आपको बताया था डेमो दिखाया, थंडरबोल्ट USB टाइप सी, USB 3.0, इसको 3 पोर्ट है सुपर स्पीड वाले, HDMI 2.0 वीडियो एंड ऑडियो आउटपुट्स भी दिए गए हैं, 3.5 mm हेडफोन माइक्रोफोन कॉम्बो पोर्ट है इसमें,
और आपको जो ऑडियो मिल रहा है वो है बिल्ट इन स्टीरियो स्पीकर्स, एरे माइक्रोफोन, ब्लूटूथ का वर्जन 4.1 है, और दोस्तों इसमें आपको डॉल्बी डिजिटल प्लस होम थिएटर एडिक्शन भी दिया गया है विद 7.1 कोडेक सपोर्ट। अगर आप HDMI से उसको कनेक्ट करेंगे फॉर ऑडियो तो आप 7.1 चैनल वाला भी डॉल्बी डिजिटल वाला आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें जो एडिशनल फीचर्स है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से दिए गए हैं, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म दिया गया है एक सिक्योरिटी चिप इम्बेडेड के साथ, और आपको पावर एंड बैटरी तो इसमें वाव कॉम्पैक्ट 165 वाट पावर अडेप्टर, और दोस्तों इसमें आपको 70 Wh वैट आवर की रिचार्जेबल लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी मिल रही है, और इसकी जो अप्रोक्सीमेट साइज रहेगी जो ये यहाँ पे दिखाई दी है जो थिकनेस है बहुत अच्छा सा, और इसका जो वेट है वो है अगर आप फुल HD बैटरी वाला लेंगे तो 1.89 kg, और अगर QHD प्लस वाला लेंगे तो 1.95 kg, और यहाँ पे आपको देख सकते हैं आप इसकी गैलरी इमेजेस, वाव क्या लुक है ना दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि USB पोर्ट वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं, बहुत अच्छी तरीके से इस लैपटॉप का डिज़ाइन किया गया है द न्यू Razer Blade। तो इस लैपटॉप का मैं देने वाला हूँ ह्यूज थम्स अप, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और यस दोस्तों देख सकते हैं कि आप यहाँ पे वाह, अगर आप ये लैपटॉप लेना चाहोगे तो प्लीज़ कमेंट में आप मेंशन ज़रूर करना कि मैं ये लैपटॉप लेना चाहता हूँ, तो मेरे को भी पता चले कि बहुत सारे व्यूअर्स भी हैं यहाँ पे गेमर्स वाले। तो अभी हम नेक्स्ट जो है इस पर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट अस 10% ऑफ टुडे, अगर आपने ये आज लिया तो आपको 10% $ का एक ऑफ मिलने वाला है इस पर, और अभी इसकी जो प्राइस है वो है इंडियन करेंसी में 1 लाख से भी ऊपर, मतलब 1,13,000 तो हो ही सकेगी क्योंकि ये भाई गेमिंग लैपटॉप है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाना, और यस अगर आपकी कुछ भी टेक क्वेरी होगी तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई भी टेक के बारे में एक न्यूज़ चाहिए होगी या फिर आपको वीडियो बनाने की फरमाइश होगी तो आप विकी टेक की, ये जो हमारा न्यू वीकली सीरियल चालू होने वाला है वेब सीरियल, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सिर्फ आपको करना क्या है ट्विटर पे फॉलो कीजिए और #AskTechBus से आप मेरे को बोल सकते हैं, और मैं इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा हर संडे। तो चले दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो, और यस यहाँ पे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ हम ज़रूर मिलेंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू TechBus टेक न्यूज़ एंड रिव्यूज़, और दोस्तों अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक्स दिए गए हैं, और यस लेनोवो K6 पावर जो अभी फिर से सेकंड सेल आने वाला है 13 दिसंबर को, तो उस सेल को ज़रूर लेना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ हम ज़रूर मिलेंगे, जय हिंद जय महाराष्ट्र, पीस आउट।